वेलकम टू कुकिंग स्टाइल विद प्रीता। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरी मम्मा की वेरी स्पेशल रेसिपी है। उसको कहते हैं स्टफ बेल पेपर चाट। आओ मैं दिखाती हूँ उसके इंग्रेडिएंट कौन से हैं। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर के बेल पेपर लिए हैं, उसको बीच में से काट कर उसको रिंग साइज का बना के रखा हुआ है। उसके अंदर हम बनाएंगे पोटैटो स्टफिंग, उसके अंदर फिल करके उसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई करेंगे। उसका बैटर भी मैंने बना के रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आलू स्टफिंग मैंने कैसे रेडी किया है। मैंने 2 उबले हुए आलू लेकर उसके अंदर ग्रीन चिलीज, गार्लिक, जिंजर पेस्ट डालकर उसके अंदर नमक और हल्दी डाल के, कोरिएंडर डालकर वो पोटैटो वाला स्टफिंग रेडी किया हुआ है। यूजुअली हम बैटर को डीप फ्राई करने के लिए चने का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मम्मा की रेसिपी ये है कि उसने चने के आटे की जगह 4 डिफरेंट टाइप ऑफ दाल ली है, उसको ओवरनाइट भिगोकर उसको फर्मेंट करके रखा हुआ था, और उसके अंदर हमने ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा नमक, इनो सॉल्ट और धनिया मिलाकर मैंने वो बैटर रेडी किया हुआ है। और बाकी जितने जो इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं वो सारे चाट बनाने के लिए है। उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन चटनी ली है मैंने, गार्लिक चटनी ली है, स्वीट चटनी ली है, थोड़ा आलू भुजिया लिया हुआ है, कोरिएंडर है, चाट मसाला है, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। तो आओ मैं आपको बताती हूँ वो कैसे शुरू करते हैं।